नमस्कार दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आजकल बुकिश लैंग्वेज से अधिक आसान है वीडियो के थ्रू पढ़ना, यानी एडवांस तरीके से पढ़ना। इसी दिशा में मैं आपको लिए चलती हूँ समान उच्चारण वाले शब्द। आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये आपके स्कूलिंग डेज में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही आप जब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे उसमें हिंदी सब्जेक्ट जब होगा तो आपको उस समय ये बहुत मदद करेगा, आपका एक अंक निश्चित करेगा। चलिए मेरे प्रिय बच्चों, आपको लिए चलती हूँ मैं समान उच्चारण वाले शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण में तो समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मात्राएं थोड़ा इधर उधर हुई नहीं, इनका अर्थ चेंज हुआ। जैसे अब हम कहते हैं यहाँ पर आगम। आगम का अर्थ होता है आगमन, किसी का आना। आगम का अर्थ होता है आगमन। वहीं अगम का अर्थ होता है दुर्गम। यहाँ अगर आ की मात्रा हटा दी जाती है तो ये अगम बन जाता है, जिसका अर्थ होता है दुर्गम। आगम का आगमन, अगम का दुर्गम। अयश, बदनामी। जैसे अयश शौ शौ, अयश कहेंगे, इसका अर्थ होता है बदनामी। दूसरा अयस, जब हमारी जीभ जो है दांतों के नीचे जाएगी तो उस शौ का जब हम उच्चारण करेंगे तो अयस होता है ये। अयश मतलब बदनामी, अयश। और दूसरा अयस, अयस का मतलब होता है लोहा। ऐसे ही अकृति का अर्थ होता है बुरा कर्म, अकृति। अब इसी को हम आकृति बोल देते हैं, इसका अर्थ होता है बनावट या शक्ल। ऐसे ही अकथ, जिसके विषय में कुछ कहा न जाए उसको अकथ बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम इसी अकथ को, जो ये अकथ है इसी को थौ और कौ एक दूसरे से बदल जाते हैं तो अथक हो जाता है। अथक, अकथ जिसके विषय में कुछ कहा न जाए, अथक होता है जो थके नहीं। ऐसे ही अकूत, बिना अंदाज के। जैसे कहते हैं ना, इसके पास तो अकूत धन संपदा है, ऐसे ही बोलते हैं अकूत, बिना अंदाज के। आकूत मतलब अभिप्राय। जैसे बोलते हैं आपका आकूत क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिना अंदाज के आप बोले जा रहे हो, ये नहीं। आकूत का मतलब होता है मतलब या अभिप्राय, अकूत का बिना अंदाज के। अवधूत, साधु सन्यासी। अधूत का मतलब होता है निडर। यहाँ व जुड़ जाता है, यहाँ व अलग हो जाता है तो इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अवधूत का अर्थ होता है साधु सन्यासी, अधूत का अर्थ होता है निडर। अकुल, बिना कुल के। आकुल का मतलब होता है व्याकुल या अकुल, जो बिना कुल का होता है उसको अकुल बोला जाता है। जिसके किसी पेरेंट्स का कुल का पता नहीं है उसको अकुल बोलते हैं। और आकुल का मतलब होता है व्याकुल। अभय का मतलब होता है बगैर भय के। अब उभय का मतलब होता है दोनों ओर। ऐसे ही आकर का मतलब होता है खान, आहार। अकर का मतलब होता है न करने लायक, और आकर का मतलब होता है खान। अकर न करने लायक, आकर खान। आहार भोजन, आहार को क्या बोलते हैं, भोजन कहते हैं। अहर, अहर का मतलब होता है तालाब या पोखर। जैसे कभी कभी हमारी पर्यायवाची शब्द में भी आ जाते हैं, कौन सा शब्द इनसे सब अलग है। जैसे तालाब के पोखर आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, अहर आ जाएगा, आहार आ जाएगा। तो अहर का मतलब भी तालाब होते हैं, तालाब होता है, इसका मतलब ये नहीं। और आहार का मतलब भोजन होता है। जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपके स्कूलिंग डे से लेकर के कहीं भी आपको, आपका ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे ही अस्त्र, जैसे अस्त्र, और हम बोलते हैं अश्रु और आंसू। अस्त्र मतलब हथियार, जैसे अश्रु का मतलब होता है आंसू, अस्त्र का मतलब होता है हथियार। अश्रु, आंसू, अस्त्र, हथियार। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्य। जब व की जगह य लग जाता है तो अश्य का मतलब होता है पत्थर। अश्व, घोड़ा,
अश्य पत्थर, ऐसे ही अस्ति का मतलब होता है विद्यमान। जैसे ये शब्द अधिकतर संस्कृत में यूज होता है, जैसे अस्ति, अस्ति का मतलब होता है कि विद्यमान होना, वैसे ही अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अब अभिसार का मतलब होता है हमला या आक्रमण करना। अभिसार जब बड़ा भी होता है तो उसका मतलब होता है हमला या आक्रमण करना। अब अभिसार, प्रेमी से छुपकर मिलना, जब हम कहते हैं और भी में छोटी ही की मात्रा, अभिसार और अभिसार के दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आसार का मतलब होता है चिन्ह लक्षण, आज बारिश के आसार हैं बोलते हैं ना हम, तो चिन्ह लक्षण। वैसे ही असार का मतलब होता है जिसमें सार न हो, लय न हो, कोई तान न हो, उसको हम असार बोलते हैं। ऐसे ही अचिर का होता है जल्दी, अचिर, चिर, वैसे आप अंदाज भी लगा सकते हो, चिर मतलब देर तक, अचिर मतलब जल्दी। ऐसे ही अजिर का मतलब होता है आंगन या प्रांगण। असाध कठिन, असाधु, असाधु मतलब दुष्ट पुरुष। आवृत्ति दोहराना, अवृत्ति बेकार। देखिए सिर्फ आ और ओ का अंतर है, आवृत्ति का मतलब है दोहराना, अवृत्ति का मतलब है बेकार। अशर बिना बाण के, अशर शर, जब श की मात्रा, श की आपको आवाज़ आती है, श का उच्चारण होता है अशर, मतलब बिना बाण के। वैसे अगर शर का मतलब हम जाने तो ये बाण के होता है, बाण के साथ। वैसे असर, जब हमारी जीभ जो है श के उच्चारण के लिए कहाँ जाते हैं, दांतों के तले में जाती है, इसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से आपको प्रोवाइड किया है, आप चैनल को विजिट कीजिए। श श श के अंतर में अंतर दिया हुआ है, उसको देखिए, आपका श का उच्चारण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था अशर का मतलब बिना बाण के, असर का मतलब होता है प्रभाव। ऐसे ही अपेक्षा चाहना, उपेक्षा होता है निरादर करना, अपेक्षा चाहना, उपेक्षा निरादर करना। मेरे प्रिय बच्चों, इससे आगे का वीडियो मैं दूसरे भाग में प्रोवाइड करूँगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज पॉज करके देखिएगा और एक नंबर अपना निश्चित कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।